हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पैरामाउंट स्पेशलिटी फॉरगिंग्स लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का डे 3 सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन क्योंकि लास्ट डे अप्लाई करने का, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी इधर चल रहा है, लिस्टिंग इधर मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली गाइस सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो 17 सितंबर को ओपन हुआ था और 20 सितंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है, 32.34 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और जिसमें से फ्रेश इशू किया गया 28.33 करोड़ का 48.02 लाख शेयर्स का इशू करके, ऑफर फॉर सेल 4.01 करोड़ का 6.78 लाख शेयर्स का इशू करके। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 23 सितंबर का, 25 सितंबर लिस्टिंग डेट है। एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 57 to 59 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। स्वराज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लीड मैनेजर, श्रेणी शेयर मार्केट मेकर, पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 100% का, पोस्ट इशू 72.15% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे QIB से 1.14 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है, HNI से 1.6 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है। QIB HNI फुल्ली सब्सक्राइब किया, लेकिन रिटेल से 5.98 टाइम का ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 3.66 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। GMP की बात करेंगे तो कंपनी का GMP कोई अपडेट नहीं किया गया, मतलब 0 रुपीज़ का GMP, इसके कारण लिस्टिंग जो है 0% को मिलने के चांस है अभी के अकॉर्डिंग। अब देखना ये कि क्या GMP अपडेट कर पाते हैं या फिर नहीं। जब से ओपन हुआ है सबसे इसका GMP 0 रुपीज़ का ही देखने को मिल रहा है। बिजनेस 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्टील फॉर्गिंग्स का इंडिया में वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ फॉर्ज प्रोडक्ट्स का ऑफर कर रही है। प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिस जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, मीट करने के लिए जो मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट को, और अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसमें इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर पावर, हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स, इन सभी पर जो है सो सभी को मेजर से इसके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है कमोथ में, दूसरा है खालपुर में, और दोनों महाराष्ट्र में है। और ये जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है इसमें इंक्लूड है ट्यूब, शीट, ब्लैंक्स, फॉर्ज रिंग्स, स्पेशर्स, गिर्थ फ्लैंक्स हो गया, टायर रिंग्स, सेल्फ रिइंफोर्स्ड नोजल्स, लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लैंक्स और सीट वेल्व बॉडीज और बोनेट एक्सेट्रा, इसके जो है सो प्रोडक्ट्स है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। कंपनी जो है क्लोज्ड डाई प्लांट भी जो है सो इसका सर्टिफाइड किया गया, आईएसओ सर्टिफिकेशन, और रेप्यूटेड ऑयल एंड गैस कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज और इंस्पेक्शन एजेंसीज की भी द्वारा जो एक्रेडिटेड किया गया है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मैनेजमेंट टीम है एक्सपीरियंस्ड, जो कि मैनेजमेंट टीम जो है कंपनी का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और अकाउंटेबल है ग्रोथ, ऑपरेशन और फिनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। फोकस क्वालिटी पर किया जा रहा है, जो कि कंपनी जो है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को लेकर एक्सिक कर रही है और वेस्ट रिड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, जिसको अचीव करने के लिए कंपनी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कर चुका है, जिससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, मैन पावर कॉस्ट को कट कर सके। डिजाइन मशीनिंग लाइंस भी लगाया है, जिसके कारण प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सके, मैन पावर कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, और ये किया जा सके मल्टीपल प्रोसेस को जो सिंगल मशीन पर कंबाइन करके, और इनपुट वेट्स जो होता है, जो नीड होता है फॉर्गिंग प्रोडक्ट्स का, उसको रिड्यूस कर सके, जिससे मटेरियल कॉस्ट में रिड्यूस होगा और उसे रिजल्टिंग देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है, कंपनी क्लाइंट्स को एक्सपर्ट सर्विसेज के साथ प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर रिटेंशन को एनहेंस कर सके और रिपीट बिजनेस को इंकरेज कर सके। इफेक्टिव ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केट एक्टिविटीज कर रही है, जिसमें कंपनी फोकस है इसका ब्रांड विजिबिलिटी पर मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स के साथ, जिसमें इंक्लूड रिटेल ब्रांडिंग, वेब मार्केटिंग, मैगजीन एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 92.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 112.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 113.6 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 7.2 करोड़ का। फिनेंशियल टॉप लाइन में गाइस तो इंक्रीज किया है, लेकिन बॉटम लाइन 23 में डाउन देखने को मिला था, और 22-23 में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस था बॉटम लाइन में, लेकिन 24 में सडन बूस्ट हुआ, और ये सडन बूस्ट होने के कारण गाइस डाउट क्रिएट नहीं करा, बल्कि स्टैंडर्डिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट अगर राइज होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है, जिससे जो कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में एफर्ट लगाया जा रहा है, और हेवली रिलाई करती है फ्यू की कस्टमर्स पर बिजनेस के लिए, जो कि अगर रॉ ऑर्डर्स अगर इसे कॉम्पिटिटर्स में स्विच करते हैं क्लाइंट्स, या फिर ऑर्डर रिड्यूस करते हैं तो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी का परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण पर्टिकुलरली उन इंडस्ट्री पर जैसे पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, हेवी इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रीज पर जिसमें सर्व कर रहा है, और इसलिए रिस्क हो सकती है।
वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो कैपेक्स करना चाहती है खोपोली प्लांट के एक्सपेंशन के लिए, मशीनरी इक्विपमेंट के परचेज के लिए कैपेक्स करना चाहती है, जनरल कॉर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया, प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।